हेलो एवरीवन, दिस इज योर बेस्ट एंड फेवरेट मारियो 78 वापस से आ गया है एक नई वीडियो के साथ। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वीडियो बहुत लेट आई, लेकिन गाइज बहुत ज्यादा खास वीडियो आई है। ठीक है ना गाइज, कोई भी मिस मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखो, क्योंकि गाइज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ मूवमेंट स्पीड को किस तरीके से आप लोग इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा सभी की चाह होती है कि भाई हमारी जो है मूवमेंट बहुत ज्यादा हो और इजिली हम हाई मूवमेंट के साथ बड़े से बड़े प्लेयर को हरा सकें। ओके, तो ये चीज सबकी चाह होती है लेकिन कर नहीं पाते। तो गाइज सर, इसी के चलते मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 से 4 ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, जिसको आप लोग अगर फॉलो करते हो अच्छी तरीके से और जाके प्रैक्टिस करते हो, भाई इजिली आप लोग भी बहुत तगड़ी वाली मूवमेंट दिखा सकते हो। उसके साथ ही साथ वन टैप भी बहुत अच्छी लगेंगे। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखो, जो भी बताता हूँ ध्यान से आप लोग सुन लेना, जो भी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। ओके, चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, इसी से मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना गाइस, तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, क्या आपकी भी प्रिडिक्शन पावर ओपी है? तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो 1xBet। यहाँ पर आप लोग भी अपनी प्रिडिक्शन पावर यूज करके काफी सारे पैसे अर्न कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है आजकल IPL चल रहे हैं, तो आप IPL में भी प्रिडिक्शन कर सकते हो कि कौन सी टीम जीतने वाली है, और ये सब करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए आपको करना क्या है, 1xBet पर जाना है और अपना अकाउंट बनाना है, आपको प्रिडिक्शन करनी है। और तो और, आप जैसे ही फर्स्ट डिपॉजिट करेंगे और मेरा प्रोमो यूज़ करेंगे, आपको तुरंत 13,000 का बोनस मिलेगा। उस बोनस का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिडिक्शन पावर में, और आप अपने जीते हुए पैसे फटाफट ट्रांसफर कर सकते हो पेटीएम, UPI और अमेजन पे में। इतना ही नहीं, आप चाहो तो ई स्पोर्ट जो गेम होते हैं या फ्री फायर, BGMI, वॉलरेंट, इनके टूर्नामेंट में भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं, है ना, कितना मस्त। तो दोस्तों, तुरंत 1xBet रजिस्टर करो, टूर्नामेंट खेलो और टूर्नामेंट में एयरबड्स, गैलेक्सी S20, iPhone 12, एप्पल वॉच जैसे प्राइजेस भी जीतने का मौका पाओ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। तो गाइस यार, मूवमेंट स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारी जो बेसिक ट्रिक होती है वो सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ, वो है गाइस कस्टम HUD। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखेंगे और उस तरीके से जो है अपनी सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन गाइस वो गलत है। ठीक है, ये करोगे तो आपका ना ही मूवमेंट बढ़ने वाला है और ना ही हेडशॉट। ओके, तो ये चीज आप लोग को नहीं करनी है, अपने हिसाब से आपका हाथ जहाँ जाता है, जहाँ सुटेबल लगता है वहाँ रखा करो। ओके, और एक चीज, आपको ज्यादा इधर उधर नहीं रखना है, अगर 2 फिंगर प्लेयर हो तो 2 फिंगर में ही रहो, आप लोग को 3 फिंगर 4 फिंगर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये गलती कभी भी मत करना, मूवमेंट स्पीड आपका इंक्रीज होने वाला है नहीं, ठीक है, अगर ये चीज करते हो तो। होप ये समझ गए होगे, और अगर आपका हाथ नहीं जमता, अच्छे से सुटेबल नहीं लगता, तो आप जाके ट्रेनिंग खेल सकते हो। होप गाइज यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है आप लोग समझ गए होगे। तो गाइज यार, हमारी जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है गाइज जिग जैग मूवमेंट ट्रिक। जी हाँ गाइज, बहुत सारे बंदे बोलते हो ना कि जिग जैग मूवमेंट होता क्या है, तो यहाँ पे मैं वही चीज अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो और समझ लो कैसे होता है जिग जैग मूवमेंट। सबसे पहले गाइज सामने बंदा है, तो मैं यहाँ पे करा क्या हूँ देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि लेफ्ट साइड जाऊंगा, तो वो फायर कहाँ करेगा, मेरे लेफ्ट साइड। ठीक है, उसको लगेगा कि मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ, तो वो फायर करेगा लेफ्ट साइड। लेकिन उसी टाइम पे मैं क्या करूँगा कि राइट साइड जाके तुरंत जंप कर दूंगा। ओके, तो उसको लगेगा कि भाई लेफ्ट साइड में हूँ, और वो ग्लू वॉल लगाए चाहे जो लगाए, ओके, तो मेरा इजीली वन टैप लग जाएगा, उसको लगेगा कि लेफ्ट साइड में हूँ। यही तो ट्रिक है ना गाइस, तो यही होता है गाइस जिग जैग मूवमेंट ट्रिक। और ये भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं आपको क्या करता हूँ कि ट्रेनिंग पे अच्छे से समझा देता हूँ। ओके, ट्रेनिंग मतलब जो वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं ना, वहीं पे आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, बंदा जैसे पीछे खड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट साइड जाने की कोशिश करूँगा, उसको लगेगा कि सामने वाले बंदे को कि लेफ्ट साइड जा रहा है, लेकिन उसी टाइम पे मैं राइट साइड जाके जंप करके इजीली हेडशॉट उसको लगा दूंगा। होप गाइस ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब गाइस हमारी जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है गाइस क्राउच मूवमेंट ट्रिक। अगर आप लोगों को जो है क्राउच मूवमेंट ट्रिक के बारे में नहीं पता, तो आप लोग को एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग जो है समझ जाओगे। यहाँ पे गाइस आप लोग को देखने को मिल रहा होगा क्राउच मूवमेंट के चलते कितना देर तक मैं उस बंदे को रोक के रखा। ठीक है, तो ये चीज होता कैसे, कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, क्राउच बटन को क्लिक करना होगा, ठीक है, मतलब कि बैठने वाले बटन को। ठीक है, उसके जस्ट बाद आप लोग को जो है स्क्रीन को घुमा देना होगा दूसरी ओर, और क्विक ओपन स्विच क्लिक करके स्प्रिंट वाले बटन को, मतलब कि रन बटन को क्लिक करना होता है। और ये चीज नंबर वाइज आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, तो ये चीज अच्छे से जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, फास्टली तरीके से करना स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो बड़े से बड़े प्लेयर को आप बीट कर सकते हो। ओके, होप गाइस ये चीज समझ गए होगे। तो ये चीज अगर कर लिए, तो इस तरीके से जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना,
ब्राउज बटन यूज करके मैं कितनी तेजी से वन टैप भी लगा लिया। तो ये चीज आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। होप गाइस ये चीज भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, थर्ड स्टेप भी। अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की। अब गाइस हमारी जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो है गाइस फेक रन। फेक रन यहाँ पे होता क्या है, फेक रन से मूवमेंट का क्या लेना देना है, आपको ध्यान से आप लोग देखो समझ जाओगे। ओके, यहाँ पे फेक रन का मतलब ये है कि उसको सामने वाले बंदे को लालच देना, मतलब जैसे ही वो बंदा आएगा हम उसके बाद मारेंगे। मतलब ध्यान से आप देखो आप समझ जाओगे, पहले मैं उसको लालच दूंगा, मतलब कि पहले निकल जाऊंगा वापस से, तुरंत स्पीड से मैं वापस से अपने कवर पे आ जाऊंगा, ठीक है। और मैं उसको क्या लगेगा कि मैं निकल गया, तो वो करेगा फायर, और जैसे ही वो फायर करेगा मैं उसके बाद मैं फायर करूंगा। देखो वो फायर करने के लिए निकल गया तो मैं इजीली मार दिया, ठीक है, वन टैप। तो ये चीज़ आप लोग को करना है, फेक रन लालच देना है। तो ये अगर आप लोग उस साइड से देखो तो उस साइड से क्या होता है, देखो मैं इस साइड हूँ, फेक रन करा, मैं फायर करने की कोशिश करा तो मैं उधर से वन टैप लगा लिया, ठीक है। ये चीज़ भाई इधर से आप लोग दिखा लिया। तो होप गाइस ये फेक रन वाली भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स हो इसके चलते तो आप लोग जो है कमेंट्स कर सकते हो, या फिर गाइस आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो और एक चीज़ गाइस, बहुत सारे बंदे कमेंट्स करते थे कि भाई सेंसिटिविटी के बारे में पूछते रहते हैं, ठीक है, नए व्यूअर्स जो होते हैं। तो सेंसिटिविटी हमेशा बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगा उतना अच्छा आप लोग का हेडशॉट लगेगा, उतना अच्छा आप लोग का मूवमेंट होगा। तो आप लोग को सेंसिटिविटी छेड़खानी नहीं करनी है, और कस्टम एच्यूरी 2 फिंगर तो 2 फिंगर खेलना है, 3 फिंगर हो तो 3 फिंगर, 4 फिंगर हो तो 4 फिंगर। ओके, आप लोग को छेड़खानी नहीं करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिस के अलावा कुछ होने वाला नहीं है, तो सभी के सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से प्रैक्टिस करो। होपफुली आज की वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, जरूर से वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।